अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुलशन में मुल्ला नहारी एंड शिरमाल हाउस पे आए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि इधर जो है नहारी के क्या रेट हैं और इधर की सिटिंग एरिया कैसी है और इधर इनके और कौन कौन से जो है मेन्यू में खाने शामिल हैं वो सब के रेट और बारबेक्यू के रेट वो हम आपको बताएंगे कि आइए देखते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं अपने खाने के बारे में। और बहुत ही मशहूर और अच्छे खाने होते हैं मुल्ला नहारी वालों के, और आप एक दफ़ा आएं और आके ज़रूर इधर जो है टेस्ट करें, आप इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और इधर एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है आप छोटे छोटे इवेंट भी जो है ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बर्थडे और दूसरे जितने भी इवेंट हैं वो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। यानी कि इसके साथ ही आइए हम आपको दिखाते हैं इनके पास खाने में क्या क्या है और ये किस तरीके से जो है लोगों के साथ डील करते हैं। ये है मुल्ला नहारी का सिटिंग एरिया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है इन्होंने डेकोरेट किया हुआ। इधर आप बर्थडे पार्टीज़ वगैरह छोटे मोटे इवेंट्स जो हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं। ये है इनका सिटिंग एरिया मुल्ला नहारी वालों का। ब्लॉक ए में जो है मुल्ला नहारी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मजीद भाई, क्या ये पाया कौन सा है, मटन का है या बीफ? बीफ, अच्छा वो उधर आ गए, आप कल नहीं करें। हाँ हाँ क्या, अच्छा ये जो है गाय का पाया है, सही है। और ये क्या चीज़ है? मगज मसाला, ये अंडा घोटाला है। ये अंडा घोटाला है, ये मगज का। और ये क्या चीज़ है? चिकन कढ़ाई है। नहारी पाए वाए ये सब, ये एक साथ सारी चीज़ें जो है सर्व होती हैं बिल्कुल, यानी कि उसी क्वांटिटी में। सबसे ज़्यादा किस जलेबी है? सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ सेल होती है पाए नहारी? सारे सब चलते हैं एक साथ, यानी कि हाँ। नहीं नहीं सही कह रहा। हाँ मजीद भाई, ये क्या है? अचार गोश्त है। अचार गोश्त है, ये आप तब ये सब चीज़ें आप खुद बनाते हैं? ये क्या है? ये क्या चीज़? कोफ्ते हैं। ये कोफ्ते हैं, ये मिर्चे वाले कोफ्ते हैं। कहाँ के कोफ्ते हैं? ये हैदराबादी वगैरह ये सालन ऐसे तो नहीं है? अच्छा ये क्या है? चिकन कौरमा। बीफ कौरमा। ये बीफ कौरमा। ये आलू कीमा। ये आलू कीमा। हरी मिर्च कीमा। हरी मिर्च कीमा, सही है। ये वाइट कढ़ाई। ये वाइट कढ़ाई है। फ्राई कीमा। और ये अंडा चना। अंडा चना। ये दाल चना। ये दाल चना। ये माश की दाल। वो भिंडी। सही है। आप ये देखें कि कैसा जो है घर वाला माहौल है मुल्ला नहारी पे, कि हर चीज़ अवेलेबल है और ये डेली अवेलेबल होती है। ये सारे खाने जो हैं आप डेली, जो मैंने आपको बताएं ये सब डेली के अवेलेबल हैं ये खाने। और आप आइए इधर, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार खाने जो हैं अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये देखें, ये मजीद इनके कितने की प्लेट ये? सारे 220 वाले। ये देखें, ये 220 वाले हैं सारे आइटम जो है। ये 220 रुपए की जो है एक प्लेट आपको जो है मिलेगी। और ये ये क्या है? चने। दाल चना। दाल चना जो है ये कितने की प्लेट है? 110 रुपए की प्लेट है दाल चना, 110 रुपए की प्लेट है। और ये भिंडी 110। ये सब जो हैं ये 110, ये 120 वाले हैं, वाले ये बाकी जो हैं आपके, ये 110 वाला, ये 110, ये 120, 220 सॉरी, ये 220। ठीक है। अच्छा मजीद भाई कब से कर रहे हैं? 3-4 साल हो गए। तो ये आप ये सारे खाने खुद बनाते हैं? हम बेचते हैं। अच्छा आप बेचते हैं, अच्छा तो ये डेली होता है ये मेन्यू? डेली होती है, बाकी सब चीज़ें डेली होती हैं ये, और पाए वाए सब ये सब चीज़ें।
और ये सब ये उस्ताद बनाते हैं आपके सारे नहारी भी वही नासिर साहब जो हैं इसके ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, क्या बना रहे हैं आप? आपका नाम पहले बताएं। मोहम्मद कामरान। कामरान भाई, तो आप क्या ये मुल्ला नहारी का ही हिस्सा है ये चिकन टिक्का वगैरह ये सब? अच्छा, तो ये जो है यानी कितने क्या बना रहे हैं आप? बारबेक्यू कर रहे हैं। चिकन चिकन बोटी, ये मलाई बोटी है, चिकन बिहारी बोटी। तो इधर जो है ये सारा जो है ये बारबेक्यू का सेटअप है मुल्ला वालों का, जो मुल्ला नहारी वालों का। ये कौन सा ब्लॉक है गुलशन का? ये 13B कहलाता है। 13B नियर क्या है? उर्दू साइंस कॉलेज। उर्दू साइंस मुमताज मंजिल है। मुमताज मंजिल के साथ ही जो है ये मुल्ला नहारी है, और इनके साथ ही जो है ये बारबेक्यू का भी सेटअप है इनका। और ये देखें यहाँ पे जो है ये पराठे बनाए जाते हैं, अभी कोई बन नहीं रहा है। आपका नाम? नौमान भाई, क्या बनाते हैं? पराठे बनाते हैं आप? अभी कोई नहीं बन रहा। अच्छा, कितने का है पराठा? 70 रुपये का एक पराठा है। और सिटिंग एरिया तो बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है यार आपने, मुल्ला नहारी वालों ने बहुत अच्छा यानी कि जो है सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। और ये देखें, ये इनके बारबेक्यू साइड है, और ये देखें इनका सिटिंग एरिया आपको मैंने दिखाया, ये सिटिंग एरिया है, ये सिटिंग एरिया है इनका। अरे कितने का है ये एक टिक्का? 300 का एक टिक्का है। और बोटी की सलाद कितने की है? बोटी की प्लेट जो है वो 450 की जो है बोटी की प्लेट है मुल्ला नहारी पे। और ये 300 का जो है ये चिकन टिक्का है इनका। सही है। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपके पास बारबेक्यू में है यहाँ? हमारे पास रोल वगैरह होते हैं, गोला कबाब, सीख कबाब, तुर्किश कबाब, दादा कबाब, दादा फ्राई, मलाई टिक्का, बिग बोटी, मलाई बोटी, चिकन बोटी, सारे बारबेक्यू के सारे आइटम अवेलेबल हैं। सारे अवेलेबल। तो ये आप लोग यहीं करते हैं या कोई इवेंट वगैरह हो इनका किया जाए तो उसके लिए भी आप बाहर लाइव भी करते हैं? इवेंट अभी तक तो नहीं होता, वैसे आउटडोर होता है। आउटडोर होता है, तो आ जाता है तो कर लेते हैं आप। सही है। तो आप कब से काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 3 महीने होने वाले। 3 महीने हो गए। आप स्पेशलिस्ट हैं इसके बारबेक्यू के? जी जी, 15 साल। फुल मसाले वसाले भी लगाते हैं खुद? मसाले कितनी देर पहले लगाना चाहिए बारबेक्यू पे? तकरीबन 6 घंटे। 6 घंटे पहले लगाना चाहिए। इसमें कुछ डालते हैं अपना गलाने वलाने के लिए? पपीता ही डाला जाता है, वही घर में जो डालते हैं हम लोग, बस वही पीस के आपने डाल दिया, उसी से आपका जायका है। मसाले आपके सब अपने होते हैं घर के? मसाले अपने होते हैं। अच्छा, मतलब डब्बे अब्बे के तो नहीं होते? नहीं नहीं, डब्बे होते। आजकल चल रहे हैं जैसे शान वान वगैरह के, नहीं होते शान वान वगैरह। आप सब खुद बनाते हो? आप लगाते हो? हाँ। ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा काम है यार ये बारबेक्यू का। ये देखें कैसे ये बारबेक्यू बना रहे हैं, आपको रेट हमने बता दिए हैं। ये देखें इनकी लोकेशन है मुल्ला नहारी की, इसी के साथ ही इनका बारबेक्यू का भी सेटअप है। आप आएँ और आप आके जो है इधर एक दफ़ा जो है टेस्ट करें, इनका बहुत अच्छा टेस्ट होता है और काफ़ी मशहूर है ये गुलशन का मुल्ला नहारी। आइए अब हम आपको जो है मुल्ला नहारी का जो है नहारी का जो है विज़िट करवाते हैं कि मुल्ला नहारी पे जो है नहारी कैसी होती है। देखें जी, अब हम आए हैं मुल्ला नहारी पे, नहारी का जो है आपको विज़िट करवाते हैं। मुल्ला Thank you.
अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये मुल्ला नहारी काफ़ी मशहूर नहारी है वैसे, मतलब तीन चार लोगों के बाद ये चौथा पांचवा नंबर इन्हीं का है। तो ये आप लोग नहारी ये किसकी नली या वो नहीं, ये कौन सा गोश्त है? ये सादी नहारी है। गोश्त का, ये गाय का होता है या भैंस का होता है? भैंस का होता है ना। अच्छा ठीक है, तो ये आपके मगज और नली? मगज है, सादी है। अच्छा वो हैं सारी, वो हैं आपके पास? मगज नहारी मिल जाएगी, नली नहारी खत्म हो गई। अच्छा खत्म हो गई, मतलब ये सारी मेन्यू में हैं, यानी कि आपके सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये जो है यानी ये कौन सी सादी है? बिल्कुल। और आप सादी होती है, मगज नली तो अलग रखते हैं, सब अलग से रखते हैं, वो अलग होती है। अच्छा वो इसकी सिंगल प्लेट कितनी की? 250 की सिंगल प्लेट है। और डबल? 500 सादी की। और नली की और मगज की स्पेशल पड़ेगी वो आपको 750 रुपये की। 750 रुपये की। और नली वाली 450 की। 450 की। मगज नहारी 550 की है। अच्छा, और ये क्या टाइमिंग क्या है आप लोगों की इधर मुल्ला नहारी? ये सुबह 10:30 बजे ऑन हो जाती है। सुबह 10:30 बजे ऑन हो जाती है, रात को 12:30 बजे तक। 12:30 बजे तक होती है, सही है। तो ये लोकेशन क्या है इधर की? ये गुलशन मुमताज़ मंजिल। मुमताज़ मंजिल मेन है। मेन है, मुमताज़ मंजिल सही है। ठीक है, मुमताज़ मंजिल स्टूडेंट बिरयानी सही है। ये कितना पुराना कितना है यार? ये तकरीबन इस होटल को 20-22 साल हो गए। 20